होली का त्यौहार आ चुका है, दूसरी ओर चुनाव का भी शंखनाद हो चुका है। राजनेता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच रांची के सांसद रहे और भाजपा से प्रत्याशी संजय सेठ पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ राय से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि रांची वासी उनका परिवार है, वो एक सांसद बन के नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह रांची वासियों के लिए काम किए हैं। होली का त्यौहार आ चुका है और इसके साथ साथ लोकतंत्र का जो त्यौहार होता है चुनाव, इसका भी आगाज हो चुका है। चारों ओर उत्साह है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खास तौर पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रत्याशी संजय सेठ जी। सांसद रह भी चुके हैं, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा इनका। संजय जी, रांची के जो लोग हैं उनसे जब हम जुड़ रहे हैं तो उनके सीधे तौर पर कहना है कि सांसद संजय सेठ जी हमारे एक परिवार के तरह है। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं मोदी का परिवार, वैसे ही रांची में सांसद संजय सेठ जी का परिवार की ओर से भी प्रचलित हो रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखो, रांची निश्चित रूप से एक परिवार है। जब रांची में हम सब पैदा हुए, यहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए, सड़कों पर आंदोलन, रांची की जनता के लिए पानी बिजली सड़क कानून व्यवस्था के लिए आंदोलन, तो एक जुड़ाव हो जाता है। वो जुड़ाव पारिवारिक जुड़ा हो जाता है और वह पारिवारिक जुड़ाव होने के कारण लोगों लगता है कि चलो भाई सांसद को फ़ोन करते हैं। सांसद नहीं, एक कहते मेरी आवाज़। सांसद तो कहना हम कह सकते हैं, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक, हम सब गिलहरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण जो जनता की जो समस्या उसका निवारण के लिए प्रयास करते हैं हम सब, सुख में दुख में। और आप देखो, जब कोरोना आया था तो कैसे, जब कोरोना के प्रथम काल में ही नमो सुरक्षा किट ऐसे 10 लाख झूले जिसमें 2 सैनिटाइज़र 2 मास्क 2 साबुन, लोगों को लगा कि हाँ सैनिटाइज़र कोई जानता नहीं था उस समय। फिर नमो आहार, पका हुआ भोजन, लगातार नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को, प्रधानमंत्री जी के निर्देश को हम सब ने सड़क उतारा। तो दुख में जब आप जनता साथ खड़े रहोगे तो जनता आपको हाथों हाथ लेके बोले नहीं, ये मेरा परिवार का बच्चा है। और इसी कारण रांची की जनता का हमेशा, सांसद रहे उसके पहले भी, हमेशा एक प्यार हमेशा रांची की जनता ने दिया है और आगे भी हम सब एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। संजय जी, अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो, देश नहीं दुनिया मान चुकी है कि 3-0, अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं, तभी परिणाम 4 जून को आएंगे। किंतु आप देखो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रधानमंत्री जी के दुनिया के देशों में कार्यक्रम बन गए और हिंदुस्तान की जनता तो इस बार ये कह रही है अब की बार 400 के पार। और 400 के पार इसलिए कि ग्राउंड लेवल पर देखो, आज़ादी के 60-65 सालों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन उसने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी, गरीब बेचारे गरीब ही रहे। अब देखो प्रधानमंत्री जी 9 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। आप देखो, चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान भारत हो, 5 लाख रुपया जनधन खाता हो, और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये सम्मान के लिए किसान सम्मान योजना के तहत ड्रोन दी दिए, लखपतिया दी दी, ऐसी योजनाएं धरातल पे, गरीब कल्याण योजना के तहत 5-5 KG राशन, कोई कल्पना नहीं किया था कि बैंक वाले मेरे झोपड़पट्टी में आ गए। बैंक झोपड़पट्टी में जा रहा है, पोस्ट ऑफिस झोपड़पट्टी में जा रहा है, यही अंत्योदय है, यही विकास का मंत्र है जो दुनिया और देश मोदी जी की मुरीद है। क्यों? डिलीवरी सिस्टम इतना बढ़िया है और बिचौलिया कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया आम आदमी के बीच पहुँचता है। ED की कार्रवाई की जा रही है लगातार इंडिया अलायंस के नेताओं पर, आपने देखा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर भी ED कार्रवाई की गई, तो इंडिया अलायंस की ओर से एक एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ED कार्रवाई कर रही है। देखो, आप पिछले 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने
15 अगस्त को लाल किले 25 से कहा था कि अब जो है भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, अब देश में भ्रष्टाचारियों प्रहार हो रहा है, बिलबिला रहे, क्योंकि दशकों तक इन्होंने देश को लूटा है। आप देखो जहाँ जहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है तो वहाँ करोड़ों करोड़ बरामद हो रहे हैं, काला धन बरामद हो रहा, सैकड़ों करोड़ रुपया, धीरज साहू के 350 करोड़ रुपया, पूजा सिंघल, आप देखो देश में जहाँ जहाँ ये एजेंसियाँ आधार पे काम करती हैं कि सूचनाओं पे, ऐसे नहीं जहाँ मनोहर चले गए, और जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं करोड़ों अरबों रुपए के कागजात, गलत कारनामों के कागजात और कैश बरामद हो रहा है, तो आप भ्रष्टाचार करोगे तो मोदी की गारंटी है देश को कि जो भी एक एक रुपया का हिसाब देना होगा जिसने गलत किया है, और देश की जनता इसीलिए मोदी पर विश्वास करती है, और मोदी की गारंटी तभी काम कर रही है कि आपको आपने काला धन कमाया, आपने भ्रष्टाचार किया, तो एक एक रुपए का हिसाब मोदी लेगा और देश की जनता को देगा। आप लोग के विधायक रहे जेपी भाई पटेल, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और पिछले दिनों रांची आगमन पर उन्होंने संदेश दिया कि उनके पिताजी का जो सपना था वो भारतीय जनता पार्टी में पूरा नहीं हो पा रहा था। चलो अब हम कह सकते हैं कि जेपी पटेल हमारे छोटे भाई, अब उनकी विचारधारा बदल गई, विचारधारा अब बदल गई तो उनका निजी मामला है। रांची के वासियों को क्या संदेश रहेगा होली के अवसर पर? रांची मांगे अब की बार 5 लाख के पार, 2,83,000 था, इस बार 5 लाख के पार। तो आप सुन रहे थे सांसद प्रत्याशी संजय सेठ जी को, रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ रांची।